नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप। जब से निकाय चुनाव का शंखनाद हुआ है, तब से कैथल ब्रेकिंग की टीम पहुंच चुकी है उन लोगों के पास जो दावेदारी जता रहे हैं वार्ड के विकास की, और लोगों की भी समस्या आपके समक्ष रख रही है। क्योंकि निकाय चुनाव में जनता को यह पता होना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। तो इसी दौड़ में पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 10 में और मिलने पहुंच चुके हैं रोहन मित्तल जी को। रोहन मित्तल जी ऐसा नाम है जिसके साथ मुख्यमंत्री जी के तार जुड़े हुए हैं और भाजपा में एक युवा नेता है, पढ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को एक अच्छा नेता चुनने का अब मौका मिला है। तो इसी आंकलन को हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रोहन मित्तल किन मुद्दों को लेकर इस रणभूमि में आए हैं और इस युद्ध में आए हैं। मुझे 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस प्रकार मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, वह कल का कार्यक्रम आपने खुद ही देखा है जी। हजारों की संख्या में यहां पर मेरे वार्ड वासियों ने, शहर वासियों ने पहुंचकर मुझे आशीर्वाद दिया। सबसे पहले तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कल आप सभी यहां पर पहुंचे, यहां उपस्थिति जताई और मुझे आशीर्वाद दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री के साथ भी आपके तार जुड़ जाते हैं। अगर आप ही का जो प्रत्याशी है सुरभि गर्गनोज के बारे में अगर बात करें, वो भी जीत के आते हैं और आप भी अगर जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है, तो कैथल को किस प्रकार की सौगातें मिल सकती है? ये कैथल के लिए सोने पे सुहागे वाला काम होगा और विकास की नई लहर कैथल ज़िले में बल्कि स्थापित होगी। वार्ड की कोई भी समस्या होगी, विधायक जी के पास हम जब कुछ भी नहीं थे तब भी जाते हैं और वो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हैं, और अब जब वार्ड की जनता हमारे हाथ में जिम्मेवारी देने जा रही है तब तो अवश्य ही और भी जल्दी होंगे। और अब हमारे चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं, वो भी वार्ड के लिए, शहर के लिए काम करेंगे, और अगर मुख्यमंत्री जी के लेवल की कोई बात होगी उनके पास भी समस्या लेकर जाएंगे और उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। आपके वार्ड में स्लम एरिया भी कुछ आता है, तो कहीं ना कहीं जब ये देखा जाता है, पूर्व में अगर कुछ लोगों की बात करें या अन्य किसी भी लोगों की बात करें, तो ये होता है कि जो स्लम लोग हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है कि कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधा उन तक पहुँच नहीं पाती है या फिर उनको जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए क्या कुछ आपने प्रारूप तैयार किया है? नहीं, मैं सबसे बाय फेस घर जाकर मिल चुका हूं और मैंने जो हमारा ये स्लम एरिया आप कह रहे हैं, इसमें जो भी समस्याएं हैं, ड्रेनेज की हो, पानी की हो, लाइट की हो, सफाई की हो, सड़क की हो, उसको सबसे पहले अपना काम समझकर उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो उगता सूरज आपको चुनाव निशान मिला है, तो क्या लगता था कि ये जो सूरज आपका उग रहा है, जो इतना भारी समर्थन मिल रहा है, तो आपको पता था कि यही वाला चुनाव निशान मिलने वाला है या फिर ये क्या संकेत जताते हैं? उम्मीद तो थी जी, मैंने बल्कि अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी भी राइजिंग सन, उगता सूरज को ही रखा था और परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे वही मिला। और जिस प्रकार से वार्ड की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, मैं विश्वास जताऊँगा कि वो मुझे ये जिम्मेवारी भी सौंपेंगे और मैं उनकी हर एक जिम्मेवारी पर, विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। लगातार आपका जनसंपर्क जारी है और लोगों से मिल जुल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, आपको कोई मुख्य समस्या जो सामने आई हो, जो वार्ड में जो कि त्यों खड़ी है? मैंने पहले भी आपसे कहा है, सबसे मुख्य समस्या यहाँ पर सफाई और लाइट की है जी। और आज भी मैंने जब सुबह डोर टू डोर हम कर रहे थे, हमारे जो साथी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर सफाई और लाइट की समस्या है। मैंने ईओ साहब से बात करी, ईओ साहब बोले अभी आचार संहिता लगी हुई है, उससे जब तक रिजल्ट नहीं आते 22 तारीख तक, उससे पहले कोई काम नहीं कर सकते। उसके बाद तुरंत प्रभाव से सारी, जहाँ लाइटें नहीं हैं वहाँ लाइटें लग जाएंगी और जहाँ पर सफाई नहीं होती वहाँ पर कर्मचारी पहुँच कर सफाई करेगा। और क्या कुछ प्रारूप तैयार किया है आपने, अगर टक्कर की बात करें तो आप कितने प्रतिनिधि या फिर उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं जो आपको टक्कर दे सकते हैं, या कुछ किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? सिर्फ एक ही कैंडिडेट सामने खड़े हैं जी, और टक्कर तो जनता बताएगी। एक हफ्ता रह गया सारा, मुझे तो विश्वास है कि जनता
मुझे आशीर्वाद देगी। क्योंकि टक्कर की बात मैंने इसलिए आपसे की क्योंकि पूर्व पार्षद ने भी आपको समर्थन दे दिया है और आपके सामने एक ही व्यक्ति रह जाता है जिससे आप लड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं, या फिर एक तरफा माहौल है या फिर टक्कर रहेगी? मुझे 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है, 36 बिरादरी ने मुझे समर्थन दिया है और मुझे विश्वास है कि मेरी जनता मेरे कंधों पर अपनी जिम्मेवारी सौंपेगी। तो जनता को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से? मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 19 जून दिन रविवार भारी संख्या में मतदान करें, उगता सूरज के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई को बच्चे को आशीर्वाद दें। पहले नंबर का बटन है रोहन मित्तल, उगता सूरज। आप सभी मुझे भारी संख्या में आशीर्वाद दें ताकि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी हर बात पर खरा उतरूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।